झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है। इस ऐलान के बाद से ही झारखंड में राजनीतिक माहौल गर्माया हुआ है। अटकलें लगाई जा रही कि सत्ताधारी गठबंधन में फूट पड़ चुकी है और जल्द ही जेएमएम और कांग्रेस की राहें अलग हो सकती है। जी हाँ, ये सब ऐसे समय पर हुआ है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। यह भी कहा जाने लगा है कि जांच एजेंसियों से पीछा छुड़ाने के लिए ही हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन ने अपना बयान दे दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक इंटरव्यू में अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि उनके इस फैसले से ईडी सीबीआई की जाँच से कोई संबंध नहीं है। सोरेन ने आदिवासी महिला होने की वजह से मुर्मू का समर्थन देने की दलील पेश करते हुए कहा, हमने एक ऐसे वर्ग को वोट किया है जिससे लंबे संघर्ष के बाद उसे कुछ हासिल होता है। आज मैं मुख्यमंत्री हूं तो इतनी आसानी से नहीं बना हूं। आज द्रौपदी जी नहीं बल्कि एक वर्ग की महिला ऐसे पद पर जा रही जो देश का सर्वोच्च पद है। आदिवासी समाज के लोग बड़ी मुश्किलों से ऐसी जगह पर जाते हैं, इसलिए मैंने उनका समर्थन किया है। इसका ईडी और सीबीआई की जांच से कोई लेना देना नहीं है।